नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में हो रहे इजाफे से लोगों की चिंता जो है वो बढ़ने लगी है। देश के 14 राज्यों के 32 जिलों में जो साप्ताहिक टेस्टिंग पॉजिटिव रेट है, जिसे TPR कहते हैं, वो 10% के पार चला गया है। दो सप्ताह में यह आंकड़ा 3.5 गुना तक बढ़ा है। अगर दिल्ली की बात करें तो कोरोना के मामलों में राजधानी में फिर से उछाल दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 300 नए मरीज सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई है, जिसने चिंता थोड़ी और बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण दर 14% के करीब पहुंच गई है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों का यही कहना है कि देश भर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने में अब लापरवाही भी ना बरती जाए, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लू की तरह ही बुखार आ रहा है। जो हमारा वायरल फीवर होता है उसकी तरह ही सारे लक्षण जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कई बार लोगों को ये असमंजस भी है कि ये कोविड है या नहीं, और इस चलते लोग टेस्ट भी कराने में कतरा रहे हैं। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल, यही बात है कि अस्पताल में भले ही मरीजों की तादाद कम हो, लेकिन एक तो कि दिल्ली में 2 मरीजों की जो मौत हुई है उसने थोड़ी चिंता बढ़ाई, और जो देश भर के आंकड़े हैं कोविड के मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है परिमल, वो कहीं ना कहीं तो चिंता पैदा कर ही रही है। देखिए, यहां पर 2-3 चीजें समझनी बहुत जरूरी है अदिति, जो हमने शुरुआत से बात की है जब से कोविड शुरू हुआ था। कोविड कहीं जाने वाला नहीं है। जब वायरस एक बार दाखिल हो जाता है तो बीमार करता रहेगा लोगों को, तो इम्यूनिटी अच्छी रखनी बहुत जरूरी है। और जो वैक्सीन को लेकर जो बात कही गई है या जो सरकार ने पैमाने तय किए हैं, उसके हिसाब से वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। तो आने वाले अगले 4-5 साल में भी मामले कुछ ना कुछ रिपोर्ट होते रहेंगे देश के अलग अलग कोने से, तो ये चिंता की बात नहीं है। सबसे चिंता की बात यह है, जो कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर हैं या जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मामले आते रहेंगे, मामलों से चिंता नहीं पैदा होनी चाहिए जी। सबसे ज्यादा हमें इस बात पे को देखना है कि कहीं हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं मॉर्टेलिटी तो नहीं बढ़ रही है, मरने वालों की तादाद तो नहीं बढ़ रही है, वो हमें देखना जरूरी है। लेकिन इस बीच में आग्रह और गुजारिश लोगों से भी की गई कि सिम्टम या लक्षण अगर कुछ तरीके के दिखे तो आप उससे परहेज ना करें कि डॉक्टर से दिख पाए या टेस्ट करें, वो जरूर आप सावधानी बरतें। और इस बीच में अगर मामले ज्यादा आ रहे हैं, 2000 का आंकड़ा पार कर गया है पूरे देश भर में, आपने 2 राज्यों के बारे में स्थिति बताई है दीदी, 2000 से ज्यादा मामले हैं, 1800-1900 के आसपास मामला रह रहा है, कल 2000 के आसपास मामले थे पूरे देश भर में, उससे ज्यादा थे, 2100 के आसपास थे। तो ये मामले इस बात को लेकर ज्यादा इस बीच में बढ़ रहे हैं कि ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी के जो मरीज, जो आपने कहा कि फ्लू के जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग गवर्नमेंट सेटअप में बढ़ाने की बात कही गई है, वो टेस्टिंग बढ़ाई गई है। तो इसलिए, क्योंकि सिम्टम एक जैसा है तो उसमें कोरोना के मरीज भी पकड़ में आ रहे हैं, तो ये बड़ी वजह है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बतानी जरूरी है कि इस टेस्टिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्यों से आग्रह तो किया गया था कि टेस्टिंग बढ़ाएं, जहां जहां पे ज्यादा मामले रिपोर्ट है वहां RT-PCR ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और उसी RT-PCR को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजना जरूरी है, ताकि हम ये समझ पाए कि वायरस आकार प्रकार व्यवहार तो नहीं बदल रहा, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं या वेरिएंट कहते हैं। जब जीनोम सीक्वेंसिंग का आप जिक्र कर रहे हैं परिमल, तब यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कोई नया वेरिएंट तो दाखिल नहीं हो गया है, ये भी जानना जरूरी है। तो क्या जीनोम सीक्वेंसिंग के को बढ़ाने की बात भी की जा रही है, उसकी भी शुरुआत की जा रही है? नहीं, उसको बढ़ाया गया है। जो RT-PCR पॉजिटिव हो रहे हैं, जो सैंपल RT-PCR पॉजिटिव है राज्यों में, वो कहा गया है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजिए, और XBB.1.16 जो ओमिक्रॉन का सब लीनिएज है वो अभी फिलहाल चिंता पैदा कर रहा है। और यहां पर एक चीज और है जिसकी वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत सतर्क है कि उसके बारे में ये तो पता है कि इन्फेक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, लेकिन ये गंभीर कितना कर रहा है इसके बारे में फिलहाल आकलन का दौर ही चल रहा है XBB.1.6 को लेकर। तो ये हम उसी से अनुमान लगा सकते हैं अदिति, जब हॉस्पिटलाइजेशन जो बढ़ने की बात कह रहे हैं, कुछ कुछ जगहों पर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ना भी शुरू हुआ है, तो उसी को आधार बनाकर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, कितने लोग मरीज एडमिट हो रहे हैं, तो उससे ये पता चल पाएगा कि XBB.1.16 जो है, जो ओमिक्रॉन का सब लीनेज है, वो कितना बीमार कर रहा है लोगों को, किस हद तक बीमार कर रहा है। तो इसका आकलन फिलहाल चल रहा है, और यही वजह है कि देश भर के अस्पतालों में 10-11 अप्रैल को जो है वो मॉक ड्रिल किया जाएगा, ताकि हम अपनी व्यवस्था को पहचान सके, समझ सके कि कितने तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो कोविड मामलों के बड़े आंकड़े तो लगातार रिपोर्ट हो ही रहे हैं। हम दिखाते हैं आपको अस्पतालों के ICU में जो भर्ती हुए कोविड पॉजिटिव युवा और बच्चे हैं, उनकी क्या स्थिति है। पूरी मुंबई में 52 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और उनमें से 63% ऑक्सीजन पर है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट।
9 साल का ये बच्चा बीते रविवार को पेट दर्द से परेशान था। मुंबई के केजे सुमैया अस्पताल में भर्ती हुआ, जांच हुई तो कोविड पॉजिटिव पाया गया। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इरफान अली बताते हैं कि एक जटिल केस है। इसके सारे रिपोर्ट जैसे सीआरपी अराउंड 177 है, डब्ल्यूबीसी काउंट 20,000 के ऊपर है, हाईली इन्फेक्टिव है, साथ में उसका कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव है, डी डाइमर भी उसका मोर देन 12,000 है, ऐसे में खून के थक्के जिसको बोलते हैं, जैसे ब्लड क्लॉट होने के भी चांसेस रहते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस है, बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। केजे सुमैया अस्पताल में कोविड जैसे लक्षण वाले कई बच्चों का इलाज चल रहा है, टेस्टिंग बाकी है, इसलिए इन्हें कोविड पॉजिटिव की श्रेणी में नहीं गिन रहे। डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ में आ रहे हैं, लाइक पेन इन एब्डोमेन, कुछ को कफ कोल्ड है, तो जिन बच्चों को एडमिशन लग रहा है उन्हीं का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और उसके बाद में उनका कुछ बच्चों का कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है हमारे पास में, लाइक रिसेंटली उनको इन्फेक्शन होकर गया रहेगा, लाइक 1 मंथ के ड्यूरेशन में। ये सेवन हिल्स अस्पताल का कोविड वार्ड है, शहर के सबसे ज्यादा 36 कोविड मरीज यहीं भर्ती हैं, इनमें से 5 आईसीयू में हैं। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती 36 साल के ये नौकरी पेशा युवक करीब 10 दिन पहले बीमार पड़े थे। कमजोरी से तकलीफ शुरू हुई, कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने में इतनी देरी कर दी कि अब वेंटिलेटर पर हैं। हालत नाजुक बताई जा रही है। हैरान करने वाली बात है कि इन्हें कोविड के लक्षण के अलावा कोई दूसरी बीमारी या मेडिकल हिस्ट्री नहीं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो क्या कोविड का नया रूप स्वस्थ युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है? ये पेशेंट जब आया था हमारे पास, वोटर में जनरल वीकनेस का कंप्लेंस लेके आए थे, कोविड टेस्ट पॉजिटिव था, वो बेसिस में हमने एडमिशन किया उनका। जब भी बाकी का सभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना चालू हुआ, वो टाइम पे समझ में आया कि काफ़ी लेट ये यहाँ पे आए, तो HRCT से लेके बाकी सब चीज़ें, चेस्ट एक्सरे से लेके बाकी सब चीज़ों में डेफिनेटली काफ़ी सारा इन्फेक्शन हमको देखने मिला। वही दिक्कत है जो पहले भी हो रहा था कि पीपल आर रिएक्टिंग लिटिल बिट लेट, एंड दैट इज़ वाई इवन टू गेट द ट्रीटमेंट एंड अगेन कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ इट इज़ टेकिंग टाइम। ही इज़ वैक्सीनेटेड एंड एवरीथिंग, so nothing as such health issues. Even when he came, he was in थोड़ा सा weakness था, but yes, he was very in good condition. इतना भी bad condition नहीं था। अभी इनकी क्या condition है? Condition अभी bad है, ventilator पे ही है। So जब तक ventilator से पूरी तरह से out नहीं होता, definitely थोड़ा सा danger side पे हम बोलेंगे इनको। मुंबई में एक्टिव कोविड मरीज बीते एक हफ्ते में दोगुना हुए हैं। शहर में फिलहाल 663 एक्टिव कोविड मरीज हैं। 1 मार्च को जहां सिर्फ 1 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती था, तो वहीं मार्च के आखिर में 52 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, और इन 52 भर्ती मरीजों में से 33 यानी कि 63% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। महाराष्ट्र में 230 मरीज XBB.1.16 वेरिएंट के मिले हैं। 24 घंटे में कोविड से राज्य में 3 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस के नए रूप के असर को हेल्थ विभाग स्टडी करने में जुटा हुआ है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की। हेट स्पीच यानी नफरती बयानों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बार फिर आपत्ति जताई है और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्म को राजनीति से मिलाना हेट स्पीच का स्रोत है। बड़ी समस्या ये है कि राजनेता धर्म का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट की तरफ से यहां पर हेट स्पीच के मामलों में राज्यों की निष्क्रियता का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर कड़ी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य बेअसर और अशक्त हो गए हैं, समय पर काम नहीं करते। इस असहिष्णुता से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकते। आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कानून के शासन की जरूरत है। गो टू पाकिस्तान जैसे बयानों से नियमित रूप से गरिमा को तोड़ा जाता है। कभी हमारे पास नेहरू वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे, ये कोर्ट ने कहा है, और अब लोगों की भीड़ फालतू तत्वों को सुनने के लिए आती है। तो यहां पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि बातचीत करते करते मर्यादा जो है वो लांग दी जाती है, और इस तरह के कई भाषा और इस तरह के कई बयानों का इस्तेमाल किया जाता है, वो वाकई में गरिमा को तोड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। आज सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 2018 में मॉब लिंचिंग हेट क्राइम को लेकर पूरा एक डायरेक्शन जारी किया था सभी स्टेट्स के लिए कि किस तरीके से फॉलो होगा, कैसे नोडल अफसर बनेंगे, किस तरह से प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन नहीं हो पाया तो कार्रवाई किस तरीके से करनी है, कार्रवाई के बाद अदालती कार्रवाई यानी ट्रायल किस तरीके से चलाना है, ये तमाम चीज़ें एक गाइडलाइन के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था तय कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद ये फॉलो नहीं हुआ, हेट स्पीच हेट क्राइम बढ़ता चला गया। उसके बाद पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए थे, हमने देखा था किस तरीके से हरिद्वार में जो
धर्म संसद होने वाली थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वहां पर हेट स्पीच हुई तो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अदालत में तलब कर लेंगे, तो वहां पर परमिशन नहीं दी गई धर्म संसद की। लेकिन उसके बाद हिमाचल में हुई, उससे पहले दिल्ली में भी हुई थी, बहुत सारी जगह इस तरीके से हेट स्पीच के प्रोग्राम हुए और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, अफसरों से जवाब मांगा। लेकिन हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अगर पालन ना हो रहा हो तो क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये एक अवमानना याचिका थी जिस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत है, उसकी शक्तियां हैं, जो वो चेताता है, जो वो चेतावनी देता है, जो धमकाता है, जो समझाता है। इससे आगे बढ़ना सुप्रीम कोर्ट के लिए खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे भारत में हर जगह अपने आदेश का इम्प्लीमेंटेशन कराना उसके लिए इतना संभव नहीं है। लेकिन जितनी कोशिश होती है सुप्रीम कोर्ट की यही रहती है कि कम से कम वो अपने आदेशों का पालन कराने के लिए अफसरों पर दबाव बनाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था की तरफ इशारा किया है और वो इशारा राजनीति की तरफ है। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है कि यहाँ राजनीति ने धर्म को अपने साथ ले लिया है और धर्म के आधार पर राजनीति होती है। राजनीति जो हेट स्पीच है और कुछ नहीं है, धर्म के नाम पर राजनीति है। अगर राजनीति और धर्म को अलग कर देंगे तो हेट स्पीच रुक जाएगी। ये बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बताया है कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था यही है, सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो सभी को अपने अंदर समाहित करता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपनी क्षेत्राधिकार में रहकर, अपनी ताकत के, अपनी शक्तियों के दायरे में रहकर जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन ये सही बात है कि अगर सख्ती नहीं दिखाएंगे, सिर्फ टिप्पणियां करेंगे, तो उसके अदालत के जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसके जो आदेशों का असर है वो उस तरह से नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चुनाव की बात करते हैं। कर्नाटक में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के साथ ही सभी सियासी पार्टियां जो हैं वो चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार की शुरुआत 5 अप्रैल से करने जा रहे हैं। कोलार में वो एक रैली करेंगे। 2019 में यही वो जगह है कोलार, आपको बता दें, जहां पर मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था और इसी के चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई, उनकी सांसदी भी चली गई। मोदी पर दिए बयान के मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। आपको बता दें कि 10 मई को एक ही चरण में कर्नाटक की सभी 224 सीटों के लिए चुनाव होंगे और नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक का चुनाव इस लिहाज से भी अब अहम है क्योंकि उसके नतीजे आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर भी असर डालेंगे। इसके अलावा 2024 के आम चुनाव भी अब नजदीक हैं, तो अब सभी पार्टियां जो है अपनी पूरी ताकत जो है राज्यों के चुनाव में झोंकती हुई नजर आएंगी। 24 मई को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव 10 मई को एक फेज में होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। राज्य में 5,21,00,000 मतदाता हैं। शेड्यूल फॉर द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस फॉर 2023 वुड बी लाइक दिस। मतदान 10 मई को एक ही चरण में होगा, मतगणना 13 मई को की जाएगी। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. चुनाव आयोग तो तैयार है लेकिन प्रदेश में पार्टियां अपने उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई हैं। विधानसभा की 224 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेडीएस ने 93, आप ने 80 और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने अब तक एक भी सीट का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के सामने खेमेबाजी और एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती बड़ी है। पूर्व सांसद मंजूनाथ कनूर लिंगायत हैं और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खासम खास, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया और अब वो बोम्मई के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। मैंने बीजेपी नेताओं के एटीट्यूड की वजह से बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है। बसवराज बोम्मई ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं। इस बार 100% वो हारेंगे। 100% he is going to lose his constituency. कुछ इसी तरह कांग्रेस में भी सिद्धरमैया को लेकर उठापटक है। उन्हें वरुणा सीट से टिकट दिया गया है, वो कोलार से भी लड़ना चाहते हैं। अब तक तकरीबन 22 जिलों का विजिट कर चुके हैं हम और चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग समितियां भी बनाई हैं। सब अपना काम कर रहे हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
हमें काफी सहयोग मिल रहा है, हमें यकीन है कि भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार फिर से बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस कुमारास्वामी के नेतृत्व में एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका के लिए जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनावों में 40 दिनों से भी ज्यादा का वक्त बचा है, ऐसे में अब भी फेरबदल की काफी संभावनाएं हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो कर्नाटक में बीजेपी के सामने कुर्सी बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसके लिए पार्टी पूरे प्रदेश में प्रजा ध्वनि यात्रा निकाल रही है, और इसी दौरान कर्नाटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिवकुमार, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो चुनावी मुद्दा बन सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नोट उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मालिया की रैली का फिलहाल बताया जा रहा है, जिसमें वो 500-500 के नोट उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का पैसा बता रही। और उधर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का जो मुद्दा है, वो अभी भी कांग्रेस लगातार उठाए हुए, उसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और बेंगलुरु में मशाल जुलूस जो है वो कांग्रेस की तरफ से निकाला गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, हालांकि बाद में कानूनी औपचारिकताओं के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। शॉर्ट नोटिस में बुलाता है और तुरंत जज चेंज हो जाता है, जज चेंज के बाद जजमेंट हो जाता है, जजमेंट के बाद 24 आवर्स के अंदर डिस्क्वालीफाई होता है। भाई साहब, कोर्ट ही आपको एक महीने समय दिया है तो इस पर डिस्क्वालीफाई क्यों? पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी आके दोबारा सवाल ना पूछे 20,000 करोड़ का, ये सारी चीज है। और कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में 2 दिनों के धरने पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा और वॉशिंग मशीन तक करार दिया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि दिल्ली में तूफान आने वाला है और सभी विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर लड़ना है और बीजेपी को हटाना है। ममता ने बीजेपी हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया है। ममता ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और सभी धर्मों के लोगों को भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी के हराने के लिए एक साथ आना होगा। 2024 की लड़ाई बीजेपी और नागरिकों के बीच की लड़ाई होगी। ये बयान ममता बनर्जी देती हुई नजर आई, सुनवाते उन्होंने क्या कुछ कहा। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए, और बीजेपी को हटाइए और लोकतंत्र को बचाइए, और बीजेपी को हटाइए तो देश को बचाइए, और बीजेपी को हटाइए तो गरीब जनता को बचाइए, और ऑपोजिशन पार्टी को एक साथ में लड़ना है, और बीजेपी को इधर से हटाना है, देश से हटाना है, कुर्सी से हटाना है, चेयर से हटाना है, और ऑपोजिशन पार्टी को एक इकट्ठा होकर लड़ना है, कामयाबी का साथ लड़ना है, सारे पड़ोसी का साथ लड़ना है, और बीजेपी को कुर्सी से हटाना है। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए। और अब बात करते हैं भगोड़े अमृतपाल की, जो अभी तक पुलिस और अन्य एजेंसियों को लगातार चकमा दे रहा है। पूरे तंत्र को उसने हिलाकर रख दिया है। पंजाब पुलिस ने अपने तलाशी अभियान को और तेज कर दिया है। मंगलवार देर रात अमृतपाल के पंजाब के होशियारपुर में होने की खबर आई थी। पुलिस का यह कहना था कि जब उसका पीछा किया गया तो वो जिस गाड़ी में था उसे छोड़कर भाग गया। और इस बीच उसकी हिम्मत ये देखिए कि अमृतपाल ने एक वीडियो बयान भी जारी किया है, और उसने ये कहा है कि अमृतपाल को नहीं पकड़ पाने को लेकर अब लगातार लेकिन सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं, क्योंकि पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत ने एनडीटीवी से कहा है कि पंजाब पुलिस के अंदर से ही कोई अमृतपाल की मदद कर रहा है, तभी वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो पा रहा है।
मुझे लग रहा है कि पंजाब पुलिस के बीच से भी कोई ना कोई व्यक्ति है जो कि एक लगातार उसको इत्तला दे रहा है, बता रहा है कि आपके पीछे कौन है, कहाँ पे है, आगे किस रूट पे पुलिस है। वरना किसी के पास इतना कोई वो तो नहीं है कि सब तरफ क्या हो रहा है, उस दिव्य दृष्टि तो नहीं है, सब पता लगता रहे। अगर लॉजिकली इसको आप देखें, लॉजिकली मुझको ये लगता है कि जैसे कि पंजाब पुलिस का कोई कर्मचारी किसी भी पद का हो उसको लगातार वॉर्न कर रहा होगा। तो जिस तरह से यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि कोई ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर से ही उसका मददगार हो सकता है, यहाँ पर ये पूर्व डीजीपी जो है उनका कहना है। अमृतपाल के पंजाब के होशियारपुर में होने की खबर आई थी, जिसके बाद घर घर जाकर तलाशी अभियान भी पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। और इस बीच एक वीडियो जारी कर पंजाब पुलिस को चुनौती देता हुआ अमृतपाल नजर आया है। दिखाते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस सूत्रों की माने तो ये वही इनोवा कार है जिसमें बैठकर अमृतपाल होशियारपुर के गांव से होते हुए अमृतसर के अकाल तख्त पहुंचने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस अमृतपाल के पीछे लग गई। तो अमृतपाल अपनी इनोवा कार होशियारपुर के मरनाइया गांव में छोड़कर भाग गया। अमृतपाल इनोवा गाड़ी में आया और पुलिस पीछे लगी तो इनोवा गाड़ी को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ चलती हुई ऑन गाड़ी को यहाँ छोड़ करके और यहाँ से खेतों में फरार हो गया। अमृतपाल के भागने के बाद से पंजाब पुलिस होशियारपुर के गांव में घर घर तलाशी ले रही है और होशियारपुर से निकलने वाली हर गाड़ी की सघन जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के नाम और तस्वीर के साथ पोस्टर जारी कर लोगों से अमृतपाल के देखे जाने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है। अमृतपाल के अमृतसर में हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में मौजूद अकाल तख्त पहुंचने की आशंका के चलते पंजाब पुलिस ने गोल्डन टेंपल गुरुद्वारे के आसपास फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा भी बढ़ा दी है, लेकिन पुलिस सीधे इस बारे में कहने से बचती नजर आई। हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं, अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो उनका मन है। पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की, जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है वही होगा। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। देर शाम भगोड़े अमृतपाल का वीडियो बयान सामने आया जिसमें उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और पंजाब पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। अमृतपाल के वीडियो बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अमृतपाल सरेंडर नहीं करने जा रहा है और ये बहुत बड़ी नाकामी है पंजाब पुलिस की कि ना सरेंडर करा पाए और ना गिरफ्तार करा पाए। सूत्रों की माने तो ये जो वीडियो है अमृतपाल का वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की आईपी एड्रेसेस से नंबर से सर्कुलेट किया गया है। फिलहाल अमृतपाल को पकड़ने का ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस तमाम नाकों पर बैरिकेड करके हर गाड़ी पर अपनी नज़र बनाए हुए है, पर सौ बात की एक बात, पंजाब पुलिस के हाथ अमृतपाल अब तक नहीं लगा है। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर स्वास्थ्य के अधिकार बिल को लेकर निजी डॉक्टरों के साथ अब सरकारी डॉक्टर भी 24 घंटे के लिए हड़ताल पर हैं। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि ओपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी और प्रसूति वार्ड में सेवाएं प्रभावित न हो, मरीजों को दिक्कतें न आए। दरअसल राइट टू हेल्थ एक्ट जो है उसके तहत राजस्थान के हर निवासी को राज्य के किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूट में पहले से पेमेंट किए बिना इमरजेंसी इलाज के साथ फ्री इलाज का लाभ उठाने का अधिकार है। और डॉक्टरों को डर यह है कि कानून मेडिकल प्रोफेशनल विशेष रूप से जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। उनका मानना है कि इस कानून से मरीजों को फायदा नहीं होगा और ये प्राइवेट अस्पतालों पर बोझ को और बढ़ाएगा।
मथुरा से आए प्रदीप की मां का इलाज 40 दिन से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने 10 दिन बाद रिपोर्ट दिखाने को कहा था, लेकिन अब रिपोर्ट देखने वाला कोई नहीं है। हमें कम से कम 40 दिन हो गए और ये माताजी हैं हमारी, इनका उनके थायराइड है या पता नहीं क्या है, इनका इलाज चल रहा है। ये 10 दिन पहले हमारी छुट्टी कर दी थी यहाँ से, और अब रिपोर्ट आई है तो अब डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे, क्या करें। डॉक्टर ये बोल रहे सर कि रिपोर्ट आ जाए तो आप रिपोर्ट के साथ में आ जाना, लेके आना। अब रिपोर्ट ही नहीं, मैडम डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, क्या करें। तो रिपोर्ट नहीं मिली पहले तो हड़ताल की वजह से, पहले तो रिपोर्ट नहीं मिली हड़ताल की, फिर आज मिली रिपोर्ट, कल मिली थी। तो हम मम्मी को लेके आए हैं यहाँ पे, बुलाया था डॉक्टर ने कि लेके आना, तो अभी मम्मी को लेके आए हैं, सांस वांस ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे बैठे हैं। अब डॉक्टर है नहीं है, हड़ताल की वजह से बहुत परेशानी मिल रही है यहाँ पे। वहीं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीना ने निजी डॉक्टरों से अपील की है कि वो काम पर लौटें। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बिल वापस नहीं होगा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सरकारी डॉक्टरों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। क्या ओथ है उनकी, उस चीज को याद करना चाहिए, ओथ क्या ली है, ओथ को भूल रहे हैं लोगों की, जिस तरह उन्होंने काम बंद कर रखा है ये अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से उनको काम पर लौटना चाहिए, हमारी अपील है उनसे, व्यक्तिगत तौर पर सरकार की अपील है वो काम पर लौटे। उनकी कोई बात होगी तो जो भी उनके सुझाव है उनको सरकार निश्चित रूप से मानेगी, पर उनकी ये जो बात है अधर्मिता है वापस ले, वह बिल वापस नहीं होगा। सरकारी डॉक्टर्स को हमने अवकाश सबका निरस्त कर दिया, किसी का अवकाश मान्य नहीं है, कोई जाएगा तो निश्चित रूप से परिणाम भुगतेगा। आरटीएच बिल के विरोध में चल रही हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय पर ग्लेशियर के सिकुड़ने और पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ये चेतावनी जल संसाधन मामलों पर संसदीय समिति ने संसद में पेश अपनी ताजा रिपोर्ट में दी है। इसमें 7 फरवरी 2021 की चमोली आपदा का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने एनडीआरएफ के लिए एक एयर फ्लीट तैयार करने की सिफारिश की है, जिससे राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ के जवानों को आपदा स्थल पर जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलो चलो। 7 फरवरी 2021 को चमोली में ग्लेशियर टूटने से जो अचानक बाढ़ आई थी, उसमें बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में काफी वक्त लगा। यही नहीं, चमोली जैसी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ के पास मलबा हटाने वाले आधुनिक उपकरण तक नहीं हैं। ये राय उस रिपोर्ट की है जो जल संसाधन मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने बुधवार को संसद में पेश की है। फरवरी 2021 के चमोली डिजास्टर का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एनडीआरएफ के पास अपना एक अलग एयर फ्लीट होना चाहिए, जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में अगर डिजास्टर होता है तो राहत और बचाव के काम को जल्दी शुरू करने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को वहां जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। फिलहाल एनडीआरएफ को डिजास्टर साइट पर पहुंचने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले एयरक्राफ्ट या फिर राज्य सरकारों की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले चॉपर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। एनडीआरएफ में हमेशा एक डेडिकेटेड एयरविंग की आवश्यकता महसूस की गई थी। मुझे याद है 2014 में जब श्रीनगर का फ्लड आया था, उस समय ये बातें बहुत ताज़ा थी कि 2013 के केदारनाथ ट्रेजडी में एनडीआरएफ की टुकड़ी समय से इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं था, कोई वहां जाने का साधन नहीं था। 2014 में, 2015 में, 2016 में हम लोगों ने महसूस किया और यही कारण था कि एज डीजी एनडीआरएफ मैंने ये अनुरोध किया था भारत सरकार से कि एनडीआरएफ को एक डेडिकेटेड एयरविंग होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एयरविंग होता उसके पास, एक डेडिकेटेड एयर पैसेज होता, तो संभवतः एनडीआरएफ की टुकड़ियां समय से तत्काल प्रभाव से उस स्थान पर पहुंच पाती जहां ये डिजास्टर हुआ। मुझे खुशी है कि इस प्रकार की अब बात चल रही है कि एनडीआरएफ को एक डेडिकेटेड एयरविंग दिया जाए ताकि उसकी टुकड़ियां प्रोएक्टिवली होकर और प्री पोजिशन्ड होकर या डिजास्टर होने पर तत्काल वहां पहुंच सके। संसदीय समिति ने आगाह किया है
कि हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के असर से हाल के वर्षों में हिम नदियों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय काराकोरम क्षेत्र ग्लोबल औसत की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस की तेज गति से गर्म हो रहा है, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने में वृद्धि होगी और आपदाएं भी बढ़ सकती हैं। छोटे ग्लेशियर ज्यादा तेजी से सिकुड़ते हैं, इनकी ठीक से निगरानी भी नहीं हो पा रही। हम सब जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र विश्व के सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक है। पिघले ग्लेशियर और हिमनदी झील के फटने से खतरे बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हमें हिमालय के परीक्षण के लिए इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत है, क्योंकि शोक में कहीं न कहीं कमी है। संसदीय समिति ने हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप करने की भी सिफारिश की है। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और अब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी की बात करते हैं। भारत में 1952 के बाद पहली बार चीतों का जन्म हुआ है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता शियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया। पिछले साल नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही इन नन्हे शावकों की फोटो ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि नन्हे मेहमानों के आने का अप्रतिम आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हम एक दिन पहले दुखी हुए थे कि किडनी के संक्रमण के कारण सासा को बचा नहीं पाए, लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रणाम करता हूं। चीता पुनर्स्थापित करने का प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में जा रहा है। तो आज चैत्र नवरात्र का समापन होने जा रहा है और आज रामनवमी है, और इस खास मौके पर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। अयोध्या नगरी को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। लोग मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। राम के जन्मोत्सव की तस्वीरें जो आपको हम अलग अलग दिखाने जा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर, वाराणसी की तस्वीर, दिल्ली, पटना की तस्वीर। रहे राम मंदिर के मुख्य द्वार सहित दूसरे दरवाजों के लिए खास लकड़ियों का इस्तेमाल होगा। इसके लिए चंद्रपुर के जंगलों से सांगवान की लकड़ियां जो हैं उनकी पहली खेप रवाना करने से पहले पूजा अर्चना भी की गई। सुनील सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंद्रपुर और गढ़चिरौली में आलापल्ली जंगल की ये खास लकड़ियां अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दरवाजों में लगेगी। राम मंदिर निर्माण में इस योगदान को लेकर जिले में उत्साह और उत्सव का माहौल है। अब हमारे यहाँ से लकड़ी जा रही, काश जा रहा है, तो हमको बहुत खुशी का है, मौका है। कार सेवक से वन मंत्री और वन मंत्री के माध्यम से जब मैं कास्ट भेज रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से ये कास्ट जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। राम मंदिर के लिए सबसे उच्च कोटि की लकड़ी की तलाश में जब मंदिर ट्रस्ट ने देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से मदद मांगी तो बताया गया कि चंद्रपुर के जंगलों की सागवान की लकड़ी देश में सबसे उच्च कोटि की है, जिसके बाद जिले के वन विभाग के डिपो को 1855 क्यूबिक फुट लकड़ी का टेंडर दिया गया। इसको सीपी टिक कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंस टिक, और इसकी विशेषता मीन्स इसमें जो ग्रैंड पैटर्न जो आता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, और इसमें कुछ अटैक कीड़ के और मतलब इसमें कुछ अटैक नहीं लगते, और ये सालों साल उसकी जो ग्रैंड पैटर्न है और जो उसकी शाइनिंग है वो कम नहीं होती, तो वैसे ही सालों साल चलती जाती है, और कुछ भी मतलब 400-500 साल
तक इसमें कुछ खराबी नहीं आती। पहले राम मंदिर के लिए नेपाल से शालीग्राम पत्थर लाया गया, अब चंद्रपुर की लकड़ियों की बारी है। इसके लिए चंद्रपुर शहर और बल्लारपुर में भव्य लकड़ी पूजन और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के वन मंत्री के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और रामायण सीरियल में राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चंद्रपुर से विनोद दुर्गे के साथ, मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।